वेलकम बैक गाइस, स्वागत है तुम्हारा पोकेमॉन ब्रिलियंट डायमंड शाइनिंग पर्ल के सेकंड एपिसोड में। और जैसे मैंने कहा था लास्ट एपिसोड में मैं कैच करने वाला हूँ शिंक्स और स्टार्ली को, तो मैं अभी वही कर रहा हूँ भाई। यहाँ पे शिंक्स मेरे को मिल चुका है और मैंने कैच भी कर लिया इसको, होपफुली आ जाए। 2, 3 फाइनली हमने कैच कर लिया है शिंक्स को। बहुत बढ़िया भाई, शिंक्स तो पकड़ा गया। अब मैं नेक्स्ट पोकेमॉन स्टार्ली को कैच करने वाला हूँ। वैसे यार देखा जाए तो 3 पोकेमॉन हो जाएंगे स्टार्टिंग में, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं, बट जाने दो यार, हम लोग देख लेंगे, हम ट्रेन कर लेंगे भाई। अब नेक्स्ट पोकेमॉन पकड़ते हैं स्टार्ली को, तो भाई मैं पकड़ के ही रहूँगा कुछ भी करके। स्टार्ली मेरे को काफ़ी सही लगता है भाई, मैं इसको हमेशा ही पकड़ता हूँ। स्टराप्टर होपफुली तुम सबको ही काफ़ी पसंद हो, तो तुम लोग भाई किसी को दिक्कत ना हो मैं इसको पकड़ रहा हूँ। तो मेरे को तो ये पोकेमॉन काफ़ी पसंद है यार, इसीलिए मैं इसको पकड़ रहा हूँ। मेरी 3 HP हो गई, अब पोकेबॉल ही फेंक देते हैं वरना ये मेरे को ही मार देगा। मैं कब से भाई पोकेमॉन्स पकड़ने लग रहा हूँ, तो इसीलिए मेरी HP इतनी कम हो गई है। होपफुली आ जाए। वैसे कम लेवल का पोकेमॉन है यार, इतना भी नाटक नहीं करेगा। 3 फाइनली यार हमने शिंक्स को भी कैच कर लिया है। ओ शिंक्स बोल रहा हूँ भाई, स्टार्ली को कैच कर लिया, शिंक्स तो पहले ही पकड़ लिया। गाइस अब ना इनकी लेवल तुम देख सकते हो काफ़ी कम है। अब मैं इन सबको एक बार भर के ट्रेन करने वाला हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब यार फर्स्ट जिम के लिए मुझे याद नहीं कितनी लेवल लगती है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से कुछ अच्छी खासी भाई 15 लेवल या फिर 13 लेवल ऐसा तो कुछ होगा ना। तो मैं एक बार भाई इनको अच्छे से ट्रेन कर लेता हूँ फर्स्ट जिम के लिए। वेलकम बैक गाइस, पोकेमॉन ट्रेन कर लिए भाई मैंने। मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, रुक जाओ, मैंने कितनी प्रोग्रेस करी है, मैंने कितनी लेवल अप करे हैं पोकेमॉन्स। देखो शिंक्स लेवल 8 पे आ गया, स्टार्ली लेवल 7 पे आ गया और चिमचार जो है वो लेवल 10 पे आ गया। आई गेस अभी के लिए इतना बहुत है, क्योंकि अभी जुबिलाइफ सिटी है जाना है पहले तो हमको, फिर जाके भाई जो फर्स्ट जिम है वो वाली सिटी आएगी, तो अभी वो काफ़ी दूर है, उतने में तो ऑल ट्रेन हो जाएंगे। इसको मैंने हरा दिया था बाय द वे पहले ही, बट हाँ इसको नहीं हराया, ये बैटल करेगा शायद से। हाँ बैटल कर रहा है भाई ये, लेट्स हैव अ पोकेमॉन बैटल। आई गेस अब ये हार जाएगा। एक ही एम्बर लगेगा भाई इसके लिए, तो एक एम्बर। चिमचार मार दे भाई इसको। बहुत बढ़िया भाई, 1 हिट कर दिया यार, चिमचार बहुत तगड़ा है भाई अपना, काफ़ी मस्त पोकेमॉन है भाई। ओ भाई शिंक्स की लेवल 8 और चिमचार की 10, दोनों काफ़ी आसपास है यार, लेकिन मैं चिमचार की लेवल ज़्यादा रखने वाला हूँ भाई, वो ऑब्वियसली मेरा एस पोकेमॉन है, तो शिंक्स को भाई उसके करीब नहीं पहुँचने देने वाला मैं, इसको और ट्रेन कर दूंगा अभी। तो अभी भाई हम लोग निकलते हैं, चलो सिटी की तरफ चलते हैं। शायद से आ गई सिटी, जुबिलेंट सिटी आ ही गई। ये बच्चा बैटल करता है क्या? ओके ये बोल रहा है कुछ पोकेमॉन भाई दिन में अपीयर होते हैं, कुछ रात में, और ये उन्हीं का वेट कर रहा है, मतलब उनको देखेगा भाई ये सारे पोकेमॉन्स को यहाँ पे। कर भाई कर, अलग ही शौक है भाई बंदे के। ओ जुबिलेंट सिटी आ भी गई, बढ़िया। डॉन आ गई है भाई यहाँ पे। ओ भाई ये क्या कर रही थी वैसे यहाँ पे? आर यू कैचिंग पोकेमॉन? ऑब्वियसली भाई मैं कैच कर ही रहा हूँ। और कितने पकड़ूँ भाई? 3 तो पकड़ लिए, अभी स्टार्टिंग के लिए इतने बहुत है भाई। बोल रही है और भी कैच करने चाहिए, इससे और भी ज़्यादा सेफ हो जाओगे। अब इससे ज़्यादा भाई मैं फिलहाल नहीं कैच करने वाला, मैं आगे चल के कैच करूँगा, बट अभी बिल्कुल भी नहीं। ओके इसने ट्रेनर स्कूल जाने के लिए बोला है बाय द वे मेरे को, जिसमें बैरी भी रहता है। हेलो ट्रेनर, डू यू नो मच अबाउट पोकेमॉन? क्या ये क्वेश्चन पूछने वाला है? शायद से सिटी में ऐसा होता है क्वेश्चन वाला, येस करके देखते हैं भाई। आई सी यू आर क्वाइट वेल वर्स्ड इंडीड, आई इमेजिन यू वुडंट सी द नीड टू विजिट द ट्रेनर स्कूल देन। अरे यार मेरे को लगा ये क्वेश्चंस पूछेगा, ये तो बोल रहा है अब तो मैं मतलब जाने की ज़रूरत नहीं है भाई, अगर पता ही है तो। वैसे भी यार मैं कौन सा यहाँ पे पढ़ने आया था भाई, मैं तो इसका पार्सल देने आया हूँ। ये खड़ा है भाई यहाँ पे ब्लैक बोर्ड के सामने, ले भाई अपना पार्सल ले और मुझे जाने दे अब यहाँ से। हे सागर डिड यू कम टू स्टडी टू? पागल हो गया क्या भाई? मैं नहीं आया पढ़ने वढ़ने, मैं तो पार्सल देने आया हूँ तेरा, अब पार्सल ले और निकल यहाँ से। ओके बोल रहा है कि ब्लैक बोर्ड पे जो भी लिखा था सब इसने याद कर लिया है। भाई तेरे को जो करना है तू कर, अपना पार्सल पकड़ और निकल यहाँ से। नहीं मैं निकलूँगा एक्चुअली। ओके इसने टाउन मैप दे दिया है, अब भाई जा सकता हूँ क्या मैं? ओके टाउन मैप के अकॉर्डिंग ऑर्बर्ट सिटी है भाई हमारी, जहाँ पे फर्स्ट जिम बैटल होने वाली है। ये तो निकल लिया भाई, ऑब्वियसली सबसे पहले तो यही जाता है, हमको बाद में जाने मिलेगा। यहाँ पे ट्रेनर्स है भाई, मतलब ये बच्चे हैं, ये लोग लड़ते हैं जहाँ तक मेरे को याद है, तो बैटल कर ही लेते हैं। बैटलिंग इज़ द बेस्ट वे टू लर्न। बिल्कुल भाई बिल्कुल, आ जा बैटल कर लेते हैं। तो चलो पहले इसको हरा ही देते हैं भाई, देखते हैं इसके पास कौन सा पोकेमॉन होगा। स्कूल किड हैरिसन, आबरा। ओके आबरा है इसके पास। इसको हराने के लिए तो यार मेरे पास कोई भी ऐसा कुछ खास अटैक नहीं है जो इस पर सुपर इफेक्टिव रहेगा। ओ मैंने यार शिंक्स को सामने रखा हुआ था यार, चिमचार इजीली हरा देता, बट अब क्या कर सकते भाई, ये सामने था। मैं सोच रहा हूँ इसको स्विच कर लेते हैं, ये वैसे भी नहीं हरा पाएगा, बट थंडर शॉक करके ही देखते हैं एक बार।
अगर अच्छा खासा डैमेज कर रहा होगा तब ठीक है, इसको रख लूँगा, नहीं तो यार स्विच कर लेंगे। ओके, इसका तो मेरे पे कुछ खास अफेक्ट किया नहीं, देखते हैं मेरा क्या होता है। ले भाई थंडर शॉक, इतना भी ज़्यादा नहीं कर रहा यार, मतलब 3 हिट्स लगेंगे बट हरा ही देंगे, जाने दो भाई, इतनी ज़रूरत नहीं है स्विच करने की। ओ भाई अवॉइड कर दिया इसने अटैक, बहुत बढ़िया शिंग। हाँ बस एक और लास्ट अटैक ये गया भाई, आबरा गया। ये तो अपना चार्ज भी में कर रहा है, इसको एक ही अटैक आता है लगता है। ओ वैसे मैं भी यही सेम कर रहा हूँ भाई, मैं भी थंडर शॉक ही कर रहा हूँ सर। एक और लास्ट हिट, एक लास्ट हिट, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके भाई इसकी स्पीड बढ़ गई, ले भाई आखिरी थंडर शॉक खा और निकल यहाँ से। ओके हमने हरा दिया भाई इसके आबरा को। अभी बच्चा है भाई, तो मैंने पहले ही बोला था नहीं हरा पाएगा मेरे को, मेरे पास ट्रेनिंग क्लासेस ले इस टीचर से, अच्छा तो मैं अच्छी बैटल सिखाऊंगा भाई। ओ शिंक्स 9 लेवल का हो गया भाई, ये मेरे चिमचार को भी लेवल में पीछे छोड़ देगा ऐसा लग रहा है। चिमचार को अब आगे रखने का टाइम आ गया है गाइस, अब मैं चिमचार को आगे रखने वाला हूँ भाई अब से। और कोई भी बच्चा है? हाँ इसके बाजू वाली भी बच्ची है भाई, इसको भी हराना है। पहले मैं देख लेता हूँ, पहले मैं चिमचार को ज़रा आगे रख लेता हूँ ना, फिर जाके भाई बैटल करेंगे, क्योंकि चिमचार काफ़ी ईजीली हरा लेता है। इसके पास भी भाई वही सेम आबरा था, दोनों के आबरा काफ़ी वीक थे, ईजीली हार गए। ये बच्चा क्या कर रहा है भाई? ओके पोकेमॉन टाइपिंग सीख रहा है भाई, सीख ले सीख ले। तो अब हमारा भाई स्कूल से निकलने का टाइम आ गया है, हमारा यहाँ पे जो काम था हो चुका है। नहीं जुबिलाइफ सिटी में एक्चुअली अभी एक और काम बाकी है, वो जो वॉच मिलती है पोकेच, वो वॉच लेनी है, शायद यही बंदा देगा। हाँ ये कुछ तो बात करने वाला है हमसे। ओ यू आर अ पोकेमॉन ट्रेनर बट यू डोंट हैव अ पोकेच येट, पोकेच इज शॉर्ट फॉर्म फॉर पोकेमॉन वॉच। ओके पोकेमॉन वॉच, हाँ भाई समझ गए हम लोग, ये सब तो स्किप करते हैं। ओके हाँ मेन चीज़ यही है, हम लोग को ना इस सिटी में 3 क्लाउंस रहेंगे, वो ढूंढने हैं और वो लोग कुछ तो क्वेश्चंस पूछेंगे, उनका बस आंसर देना है और फिर हम लोग को भाई 3 कूपन मिल जाएंगे और फिर ये हमको देगा पोकेच। इतने नाटक करवा रहा है भाई, पर कोई नहीं। ओके इसने क्वेश्चन पूछा है, डज अ पोकेमॉन ग्रो बाई डिफीटिंग अदर्स एंड गेनिंग एक्सपीरियंस पॉइंट? ऑब्वियसली ये तो काफ़ी ईजी था। डिंग डिंग यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट भाई, बहुत ईजी था। अरे यार इसका ना मेरे को एक ट्रिक याद है, जितने भी ये क्लाउंस रहते हैं ना सबके सब भाई मतलब सिर्फ येस वाले ही क्वेश्चंस पूछते हैं, यानी कि जो भी क्वेश्चन है सब पे तुमको येस ही करना है। पोकेमॉन प्लैटिनम के अंदर तो ऐसा ही था भाई, हो सकता है यहाँ पे इन्होंने चेंज किया हो, मतलब सबका आंसर येस ही है भाई बेसिकली, ये बात बोल रहा हूँ मैं। पोकेमॉन प्लैटिनम के अंदर ऐसा था, पता नहीं देखते हैं यहाँ पे इन्होंने चेंज किया है क्या। ओ मैंने फिर से, मैंने बिना पढ़े लिटरली येस कर दिया और राइट निकला, पक्का मेरे को लग रहा है इसमें भी ऐसा ही है। कूपन नंबर 3 मिला है, फिर 2 कहाँ पे भाई, 1 तो मिल गया, ये 3 मिल गया, 2 वाला कूपन कहाँ पे है, मतलब 2 वाला जोकर कहाँ पे भाई जो हमको ये वाला कूपन देगा। और उस वाले में भी हम लोग देखेंगे, देखना येस ही होगा जहाँ तक तो आंसर। अब ये कहाँ पे है यार, ये लोग के पास निंटेंडो स्विच है, क्या कर रहे हो भाई? आई एम ट्रेडिंग पोकेमॉन, बढ़िया भाई मज़े से ट्रेड कर भाई। मेरे पास तो यार रियल लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जो कि ये ट्रेड कर सके रियल लाइफ में, ऐसे आजू बाजू में खड़े रह के भाई, बहुत मज़ा आता है यार ऐसा होता तो, ऐसे काफ़ी मज़ा आता है यार आजू बाजू में खड़े रह के ट्रेड करने में। ये तो भाई यहाँ पे जाने नहीं दे रही, तो ऑब्वियसली वो जोकर यहाँ पे तो होगा नहीं, कहीं और जाके देखते हैं हम कहाँ पे है यार, ये इतना भी तो दूर नहीं था यार। ओके यहाँ पे हो सकता है, अरे नहीं यहाँ से तो आगे जाने नहीं देगा ये, यहाँ पे तो वो रास्ता है भाई ऑर्बर्ट सिटी जाने का, तो यहाँ से ये तो भाई काफ़ी दूर आ गए, यहाँ तो बाद में जाना होता है आई गेस, यहाँ पे नहीं होगा। ओ इस वाले से तो पूछ लिया था ना, ओ मिल गया मिल गया मिल गया, ये है भाई थर्ड वाला ये है। आई एम अ पोकेच कैंपिंग क्लाउन, चलो बढ़िया, जस्ट लाइक पोकेमॉन डू द मूव्स ऑफ पोकेमॉन ऑल्सो हैव टाइप। हाँ देखो इसका आंसर भी येस है, कहा था ना भाई यही ट्रिक है यार, मतलब बस बिना पढ़े येस येस कर दो भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सबका आंसर येस ही था। हम लोग के पास 3 कूपन्स हो चुके हैं अभी, तो अभी मैं जाने वाला हूँ भाई उसके पास, वो जो भी भाई आदमी था वहाँ पे, अब होपफुली हमको वो पोकेच दे देगा। चलो 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 चलो, और जहाँ तक मेरे को याद है भाई ट्रेलर्स में ऐसा दिखाया गया था कि इसमें HM वगैरह नहीं होने वाले, मतलब HM वगैरह क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, HM होने वाले मतलब पोकेमॉन को लर्न नहीं करवाने वाले, ये सिर्फ पोकेच वगैरह से ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसने हमको दे दिया पोकेच, ओके काफ़ी बढ़िया लग रही है भाई। हाँ तो मैं बोल रहा था मतलब हमको ये पोकेच में से यूज़ करना पड़ेगा, वो HM रहेगा जो भी, पोकेमॉन को लर्न करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट स्टॉप इज़ ऑर्बर्ट सिटी, ओ ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने अभी नोटिस किया, मतलब ये लोग हमको बता देते हैं भाई हमको कहाँ जाना है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है एक्चुअली। मेरे पास पैसे काफ़ी सही हैं यार, 10,000 रुपये ऑलमोस्ट,
चलो हमने हाथ में पहन लिया, देखो अगर तुम देख पा रहे हो तो भाई उसने हाथ में पहनी हुई है भाई वॉच, काफ़ी मस्त लग रही है। मेरे ख्याल से अब यहाँ पे और कुछ खास चीज़ है नहीं, शायद हमको अब निकलना चाहिए, या फिर एक बार पोकेबॉन सेंटर में जाके हील करके आ जाता हूँ, बस फिर निकलते हैं भाई। और कुछ है नहीं यहाँ पे सिटी में, और वो जो आगे वाली जगह थी वहाँ पे तो बाद में जाना होगा, पहले ऑर्बर्ट सिटी चल रहे हैं हम लोग। चलो भाई नर्स जॉय हमारी, जल्दी से पोकेमॉन को हील कर दो जल्दी भाई, इन सबको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब यहाँ का काम बिल्कुल हो चुका है भाई, मैंने पोकेमॉन्स हील भी कर लिए हैं, अब निकलते हैं भाई और पहुँचते हैं ऑर्बर्ट सिटी। अब ये भाई हमको रोकेगा नहीं, अब हम जा सकते हैं यहाँ से फाइनली। चलो भाई चलो, ओ बैरी खड़ा हुआ है यहाँ पे, शायद बैटल होने वाली है हमारी। हे सागर टेल मी यू गॉट अ लिटिल टफर, देर से तो भाई ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा एक्चुअली मी। अरे यार मैंने स्किप कर दिया भाई, कोई नहीं, मुझे पता था बैटल ही करने वाला है, क्या ही करना भाई इसकी बातें पढ़ के हमको। यू आर चैलेंज्ड बाई पोकेमॉन ट्रेनर बैरी, चल भाई जल्दी पोकेमॉन निकाल, स्टारली निकाल रहा है भाई, स्टारली तो मेरे पास भी है, इसका लेवल देखना है मेरे को कितना लेवल होगा भाई। 7 लेवल। मैं ना इसको नहीं लड़वा रहा, मैं निकाल रहा हूँ शिंग्स को, वो वैसे भी सुपर इफेक्टिव है इस पर तो बढ़िया रहेगा। वैसे मेरे को भाई चिमचार को ट्रेन कर रहा है, और मैं पता नहीं बार बार भाई शिंग्स को ही ट्रेन कर रहा हूँ, बट जाने दो यार वो सुपर इफेक्टिव है तो ज़्यादा मस्त से हरा पाएंगे हम लोग इसको। थंडर शॉक ही मारूंगा भाई इसको, इसकी एबिलिटी अटैक गिर गया उसका, बहुत बढ़िया, ये काफ़ी अच्छी एबिलिटी है यार। ओके अटैक कर दिया भाई उसने, लेकिन पहला अटैक किया है क्योंकि मैंने पोकेमॉन स्वैप किया था, लेकिन अभी हम लोग करने वाले हैं क्विक अटैक। अब तो भाई थंडर शॉक तेरे को बहुत बुरा लगने वाला है, बहुत ज़्यादा अटैक्स मार लिए भाई एक ही बार में, सुपर इफेक्टिव, बहुत मज़ेदार। डोंट गेट कोकी गेट, दिस इजेंट ओवर येट, भाई ओवर ही हो गया एक तरह से, अब दो ही पोकेमॉन है ना इसके पास तो ओवर ही मान लो भाई। चलो चैलेंज भाई, इसी से हराऊंगा मैं, शिंग से ही हराऊंगा इसके दोनों पोकेमॉन्स को। सेकेंड पोकेमॉन पिपलप है ना, अरे भाई और इजी, फिर तो मज़ा आ जाएगा, फिर तो बहुत इजीली हार जाएगा। निकाल भाई अपने पिपलप को निकाल, उस पर भी सुपर इफेक्टिव है। शिंग्स 10 लेवल पे आने वाला है और चिमचार 11 लेवल पे आ गया, बहुत बढ़िया। नहीं, कीप करेंट पोकेमॉन ही रखना है भाई मेरे को तो, अभी मज़ा आएगा भाई, इसी से इसके दोनों पोकेमॉन हरा दूंगा भाई। अब मेरे को मेरा मेन पोकेमॉन निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही, मतलब अपने मेन पोकेमॉन से नहीं हराऊंगा भाई इनको, इसी से हराऊंगा। ओके इसने काफ़ी कम एचपी करती है, बट फिर भी यार हरा दूंगा मैं। ओ इस पर इतना ज़्यादा भी अफेक्टिव नहीं था, मतलब सुपर अफेक्टिव है लेकिन इतनी कम एचपी नहीं हुई यार इसकी। इसका पाउंड वैसे पावरफुल है, नहीं एक और पाउंड झेल लूँगा जहाँ तक मैं, मतलब शिंक्स को एक और पाउंड लग गया ना तो वो झेल सकता है भाई, एक पाउंड और झेल लेगा शायद, एक एचपी पर रह जाएगा। माय पोकेमॉन एचपी इज़ लो, दिस कुड बी अ बिट, ओके प्लीज़ प्लीज़ पोशन मत यूज़ करना, अरे नहीं किया, ग्राउल कर रहा है, बढ़िया बढ़िया, पोशन मत यूज़ करना भाई, बस गया, अब गया फाइनली। थंडर शॉक और पिपलप भी फेंट, मैंने शिंक्स की मदद से भाई दोनों पोकेमॉन हरा दिए भाई, इजी बैटल थी यार बिल्कुल। क्या ही ट्रेनिंग कर रहा है यार तू, मेरे को देख भाई मैं कितनी गजब ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ये तू क्या कर रहा है भाई इतना वीक पोकेमॉन ट्रेनर बन के। ओके विंग अटैक आ गया स्टार्ली को, बहुत बढ़िया, यू डिफीटेड पोकेमॉन ट्रेनर बैरी। ओ भाई व्हाट जस्ट हैपेंड, आई लॉस्ट, ओ भाई गुस्सा देख रहे हो बंदे का, भाई ऐसे ही हारेगा यार तू, मेरे से नहीं जीत सकता यार, बच्चा है तू अभी, बहुत इजीली हरा दिया यार एक्चुअली हमने। वाह व्हाट डू यू मीन आई लॉस्ट, तू हारा ही है भाई, क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा यार इसको, बोल रहा भाई ये आखिरी बार है जब मैं हारा हूँ भाई, अगली बैटल में भी देख लेंगे, अगली बैटल जब होगी ना और ये हारेगा तब यही वाली क्लिप वापस से लगा के दिखाऊंगा, कैसे बोल रहा था भाई नहीं हारेगा और फिर से हारेगा और वो भी बुरी तरीके से हराऊंगा। ओके तो बैटल नहीं कर रही, ये बच्चा बैटल करेगा, पर मैं यहाँ पे अभी जाऊँगा नहीं, पहले मैं पोकेमॉन चेक कर लेता हूँ यहाँ कैसे मिल रहे हैं, वैसे मैं पकड़ने नहीं वाला पहले ही बता दूँ अभी, क्योंकि भाई ऑलरेडी 3-3 पोकेमॉन हो रखे हैं, अभी इससे ज़्यादा भाई और भी हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब हमारी टीम भाई झेल नहीं सकती इससे ज़्यादा, 4-4 पोकेमॉन स्टार्टिंग में ही लेके घूमूंगा तो क्या ही होगा। यहाँ पर भी शिंग्स ही मिल रहा है यार, वही सेम पोकेमॉन ही है शायद से, चलो चलते हैं यार। और इस वाले ट्रेनर से भाई मैं अभी नहीं लड़ रहा पहले बता दूं, मैं इन सबको छोड़ नहीं रहा, स्किप नहीं कर रहा, मैं बैटल करूंगा इन सब से लेकिन बाद में, पहले मैं सिटी पहुंच जाऊं, क्योंकि वैसे भी तुमको भी ट्रेनर बैटल देखने में उतना मज़ा नहीं आएगा भाई, सब सेम ही रहती हैं तो इसीलिए वो सब स्किप कर रहा हूं मैं ये सब बाद में आके कर लूंगा बैटल्स। अभी हम लोग को बस सीधा ऑर्बिट सिटी जाना है, और जिम बैटल तो शायद आज के एपिसोड में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, फिर भी देखते हैं। चलो भाई
इससे तो बचने का कोई उपाय नहीं है, इससे तो बैटल करनी पड़ेगी। कर ले भाई, कोई बात नहीं, वी आर ऑलवेज टुगेदर। ओके, कौन सा पोकेमोन है यार इसके पास, जल्दी निकाल भाई, एक ही पोकेमोन है, अच्छा है भाई, जल्दी हार जाएगा। क्रिकेटॉट, अरे यार चिमचार बहुत इजीली हरा देगा, बढ़िया बग टाइप है ना ये। ओ मैंने चिमचार को ही आगे रख लिया था, बहुत अच्छी बात है। एक ही एम्बर लगेगा जहाँ तक, तो एक एम्बर में जाएगा भाई, एम्बर बहुत बढ़िया भाई, एक ही एम्बर में गया फाइनली, सुपर अफेक्टिव था वैसे भी। मेरे चिमचार की लेवल अभी काफ़ी सही हो गई यार, आसानी से हार जा रहे हैं ये लोग। इसको यार जिम के लिए पहले लेकिन शायद मेरे को इवॉल्व करना पड़ेगा, मार्क पंच इसको इवॉल्व होने पे ही आता है, जो कि फाइटिंग टाइप मूव है, और अगर तुमको नहीं पता फर्स्ट जिम भाई रॉक टाइप की होती है, वैसे सबको पता ही होगा, फिर भी बता रहा हूँ भाई, सिनो की फर्स्ट जिम रॉक टाइप की है, जिसमें फाइटिंग टाइप काम आएगा मेरे को, जो कि मेरा एक लौता पोकेमॉन चिमचार ही सीख सकता है इवॉल्व होने के बाद फाइटिंग टाइप मूव। इसको भी स्किप कर सकता हूँ, चलो मैं। फाइनली हम लोग केव में आ चुके हैं, इस केव से बस दूसरी तरफ ही भाई ऑर्बिट सिटी है। अरे यार ये तो बैटल करेगा भाई अब। ओ लुकी देयर, यू गॉट अ पोकेच, पोकेच पोकेच नहीं भाई, क्या बोल रहा हूँ मैं अभी। यू आर स्टिल प्रिटी न्यू ट्रेनर, यू ऑब्टेन TM98। अरे भाई मैं समझ रहा हूँ ये बैटल करने वाला है मेरे से, बढ़िया, नहीं बैटल किया अच्छा ही है। ट्रेनर बैटल भाई स्किप करने का बहुत मज़ा आता है यार, ट्रेनर बैटल भाई मेरे को इतनी पसंद भी नहीं है, पर क्या करें भाई, करनी पड़ती है यार, पोकेमॉन लेवल अप उन्हीं से होते हैं। अरे देखो भाई आ गया ये, यूज हिडन मूव फ्रॉम द हिडन मूव्स पोकेच ऐप टू रिमूव और बाईपास ऑब्स्टिकल्स। बेसिकली भाई ये पोकेच में एक ऐप है, उसकी मदद से हम लोग यूज़ कर सकते हैं ये HMs को, काफ़ी बढ़िया चीज़ है यार ये, वरना पोकेमॉन का भाई एक स्लॉट वेस्ट हो जाता है मूव का। अच्छा पोकेमॉन एनकाउंटर हुआ, मैं सोचा भाई ये बीच में क्यों रुक गया। जूबैट मैं नहीं पकड़ने वाला भाई, जूबैट का क्या ही करना है यार, मतलब गोलबैट अच्छा है बट फिर भी मैं अभी नहीं पकड़ रहा। अब जो मेरा चौथा पोकेमॉन होगा ना वो एकदम अच्छा वाला पोकेमॉन ही होने वाला है, क्योंकि अब मेरे पास ऑलरेडी 3 पोकेमॉन्स हैं, तो अब चौथा पोकेमॉन मैं थोड़ा आगे चल के अच्छा वाला ही पकड़ने वाला हूँ। इसको तो स्किप कर सकता हूँ पीछे से जाके, बढ़िया। इसके पीछे से निकल सकता हूँ क्या, हाँ निकल सकता हूँ, निकल सकता हूँ, एक सेकेंड, बढ़िया भाई स्किप कर दिए दोनों, इनसे मैं बैटल करूँगा, हाँ छोड़ नहीं रहा भाई उनको भी, टेंशन मत लो। फाइनली ऑर्बिट सिटी, बहुत बढ़िया यार, कितनी मस्त लग रही है यार ये सिटी। क्या ये बैटल करने के लिए खड़ा है, हाउडी ट्रेनर, इफ़ यू डोंट हैव अ सिंगल बैच अदर ट्रेनर्स विल लुक डाउन ऑन यू लाइक यू आर अ टोटल नूब राइट। हाँ यार मेरे को जिम बैच जीतना है जल्दी। ओके हमको जिम बैटल दिखा रहा है, बढ़िया भाई, बता कहाँ पे है ये, रही भाई, अरे बैरी खड़ा हुआ है ऑलरेडी। देयर इज समवन देयर, इज दैट गाय इन फ्रंट ऑफ द जिम योर फ्रेंड। हाँ भाई मेरा फ्रेंड ही है ये, पागल सा बिल्कुल। फिर से बैटल तो नहीं होती ना अभी, इससे बात ही होगी हमारी। ओ इट्स यू सागर, यू फाइनली गॉट हियर, यू आर स्लो लाइक ऑलवेज। भाई अभी अभी हार के आया, फिर भी अकड़ इसकी कम नहीं हो रही। अच्छा ये बोल रहा है जिम लीडर अभी गया हुआ है ऑर्बर्ज माइन में, कोई नहीं भाई उसको ढूंढ लेंगे हम वहाँ जाके। इसने तो बैटल कर ली ना, बढ़िया, इसकी तो बैटल भी हो गई भाई, जिम बैटल भी, मतलब जिम बैच भी एक्चुअली इसने जीत लिया, बट अब हमको ढूंढना है भाई। ऑर्बिट माइन तो यहाँ पे नीचे के साइड पे थी, पर मैं सोच रहा हूँ अभी नहीं जा रहा मैं ऑर्बिट माइन, मैं ये वाला एपिसोड यहीं पे भाई एंड कर रहा हूँ, इतना काफ़ी आएगा आज के एपिसोड के लिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, नेक्स्ट एपिसोड में जाएंगे हम लोग कोल माइन में, और जिम बैटल भी करने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में, कोल माइन ही है ना वैसे वो, ऑर्बिट माइन जो भी, नेक्स्ट एपिसोड में जाएंगे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।